किसी भी जीव के शरीर में चेतना आत्मा से ही प्राप्त होती है। शरीर के जीवित रहने का राज आत्मा ही है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आत्मा गुणहीन होता है या उसके कोई गुण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, तत्वदर्शियों यानी जिन्होंने आत्म तत्व का दर्शन किया है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी जो सत्य नहीं है, अर्थात हमारा यह भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है। अर्थात यह शरीर आज है, कल नहीं, कब राख में बदल जाए इसका कोई पता नहीं। किंतु सत्य यानी सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है, यानी आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह सत्य व शाश्वत है। उन तत्वदर्शियों ने दोनों यानी शरीर व आत्मा की प्रकृति द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है, इसके लिए आगे के श्लोकों को देखिए। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस श्लोक का अर्थ है, जो सारे शरीर में व्याप्त है, अर्थात हमारे शरीर की चेतना जिससे हम सुख व दुख का अनुभव करते हैं, वह आत्मा के द्वारा ही व्याप्त है। हमारे शरीर में चेतना का स्रोत आत्मा ही है, उसे ही तुम अविनाशी समझो, अर्थात आत्मा का कभी नाश नहीं होता। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि आत्मा अविनाशी अप्रमेय है, यानी जिसको कोई माप नहीं सकता है, किंतु शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य होता है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। हमारा यह भौतिक शरीर स्वभाव से ही नाशवान है, यह हर क्षण नष्ट हो रहा है, यह अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वह न ही इसका कोई माप है, यह शाश्वत जीव है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है, शरीर अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता है। ययेनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते सतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर बैठा जीवात्मा मरा नहीं है, या किसी की मृत्यु होने पर जीवात्मा मरता नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के हथियार से मार पाना संभव नहीं है। जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य नहीं है, जो मरता है वह केवल शरीर है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा, वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। गुणों की दृष्टि से यह जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा के ही समान है। यह शरीर की भांति विकारी नहीं है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक जीवित रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है यानी संतानें उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। आत्मा अजन्मा है,
वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, क्योंकि आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूतकाल है न वर्तमान न ही भविष्य है, वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात आत्मा के जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा में शरीर की तरह कभी भी वृद्धि नहीं होती। आत्मा से किसी की उत्पत्ति भी नहीं होती। वेदा विनाशिनम नित्यम यये नमजमव्ययम् कथं सपुरुषः पार्थ कं धातयति हन्तिकम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। आगे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापु न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड यानी काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ऐसा कोई भी अस्त्र व शस्त्र नहीं जो आत्मा को नष्ट कर सके। अच्छेद्यो यमदाह्योयम् अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोयम् सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहता है। अव्यक्तोयम् अचिन्त्योयम् अविकार्योयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के रहस्य व उसके गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। और क्योंकि यह सब स्वयं भगवान द्वारा कही गई बातें हैं, तो हमें बिना किसी संकोच के इनको स्वीकार करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखे व वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हरे कृष्णा।